तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो आज की वीडियो में सिर्फ स्टडी व्लॉग नहीं, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले कि हाउ टू मेंटेन कंसिस्टेंसी। यार जितना ही मुश्किल इस वर्ड को बोलने में है ना, उतना ही मुश्किल इसको मेंटेन करने में है। एंड मैं कोई रामबन तरीका नहीं बताने वाला हूँ कि ये कर लो वो कर लो तो कंसिस्टेंसी एकदम अच्छे से मेंटेन हो जाएगी। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बेसिकली वही चीज़ शेयर करने वाला हूँ जो कि मैं खुद करता हूँ अपनी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए। और मैंने AS2 और AS9 का रिविजन कर लिया उससे बैठने के बाद। अभी मैं फ्रेशन अप होकर रेडी हो गया अपने अदर टारगेट्स को कम्प्लीट करने के लिए। तो चलो बिना कोई टाइम वेस्ट किए इस ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने अपना डेस्क पूरा अच्छे से क्लियर कर दिया एंड अभी स्टार्ट करते अपना लॉ का रिवीजन। सो स्टडी के साथ कंसिस्टेंट रहने के लिए, फिर कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए मैंने सबसे पहले चीज ये किया हो कि मैंने रियलिटी को एक्सेप्ट कर लिया हूँ। मीन्स मैंने एक्सेप्ट कर लिया हो कि 4-5 ईयर्स तक मुझे डेली का 8-9 आवर्स पढ़ना है और कोई ऑप्शन मेरे पास नहीं है। अगर मुझे अच्छा डिग्री चाहिए, अपने फैमिली को अच्छा लाइफस्टाइल प्रोवाइड करना है, अपने फैमिली फ्रेंड्स के एक्सपेक्टेशन को पूरा करना है, तो मेरे पास स्टडी के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। हमारे पेरेंट्स हमारे लिए ना बहुत सारे सेक्रीफाइसेस कर चुके हैं, इवन अभी भी करते आ रहे हैं। तो अगर हम लोग स्टडी नहीं करते तो सिर्फ मैं अपने इंसल्ट नहीं कर रहा हूँ, उनके भी इंसल्ट कर रहा हूँ। ये ना मेरे अंदर ना डर सा बन गया है। इसलिए सुबह उठने के बाद ना फ्रेश अप होने के बाद मुझे अपने आप को ना फोर्स नहीं करना पड़ता है कि चल रोशन स्टडी कर लेते स्टडी कर लेते। मैं ऑटोमेटिकली ना टेबल पर बैठ जाता हूँ। और ये ना ऐसे नहीं बनता है, टाइम लगता है। जब मैंने स्टार्टिंग में सी फाउंडेशन स्टार्ट किया था तो स्टार्टिंग में ना एक दो मंथ मैं खुद को डेली रिमाइंड करता था, रोशन यू हैव टू स्टडी हार्ड, यू हैव टू स्टडी हार्ड, अगर तू स्टडी नहीं करेगा तो ये नहीं होगा वो नहीं होगा। इसलिए रियलिटी को एक्सेप्ट कर लो एंड इस जर्नी को एंजॉय करो, ये लॉन्ग टर्म जर्नी है। तो मैंने लॉ का रिवीजन कर लिया एंड थोड़ा बहुत रिवीजन किया कि लाइक कंपनी जब इनकॉर्पोरेट होती है तो क्या क्या डॉक्यूमेंट फाइल करना होता है रजिस्ट्रार के पास, वही सब मैंने रिवीजन किया। एंड अभी मैं जा रहा हूँ अकाउंट्स का लेक्चर देखने। और भाई साहब आपको पता है अभी हम लोग का अकाउंट्स ना 4 आवर्स का लेक्चर हो रहा है, तो इसमें तो अच्छा खासा टाइम जाने वाला है। तो अभी आप लोग से मिलता हूँ अकाउंट्स के लेक्चर के बाद। एंड सेकेंड चीज़ जो कि मुझे हेल्प करती है कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए, वो है मैं कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए भागता ही नहीं हूँ। एंड फन फैक्ट, मुझे कंसिस्टेंसी का मीनिंग ना फाउंडेशन में पता चला था। देखो कंसिस्टेंट रहना ना मशीन के लिए पॉसिबल है, वुमेंस के लिए पॉसिबल नहीं है। बिकॉज वुमेंस के पास मन है जो कि मशीन के पास नहीं है। वुमेंस का मन हर टाइम यहाँ वहाँ यहाँ वहाँ यहाँ वहाँ होते ही रहता है। तो ऐसे में कंसिस्टेंट रहना पॉसिबल नहीं है, हर एक काम को डेली टाइम पे करना पॉसिबल नहीं है। बिकॉज आए दिन कुछ ना कुछ होते ही रहते हैं। इसलिए मैंने अपना प्रायोरिटी ना फिक्स करके रखा हूँ जो कि स्टडी है। एंड हम सभी स्टूडेंट्स के लिए ना हमारा सिर्फ एक ही प्रायोरिटी होता है, स्टडी करना। इनकेस किसी का और भी हो सकता है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में हमारा सिर्फ एक ही प्रायोरिटी है, स्टडी करना। तो मैं डेली अपने टाइम पर उठूंगा, इनकेस कभी लेट उठ गया तो कोई बात नहीं, मैं अपने आपको कोसूंगा नहीं कि ये लेट हो गया वो लेट हो गया, कुछ नहीं। फिर फ्रेशन अप होकर अपने डे के अकॉर्डिंग टू डू लिस्ट बनाऊंगा एंड उसे कंप्लीट करने के पीछे लग जाऊंगा। एंड जो स्टार्टिंग 6-7 आवर्स होते हैं उसमें मैं ट्राई करूंगा कि मैं फोन को बहुत कम से कम यूज़ करूँ, या तो फोन को ना नीचे वाले रूम में रख दूंगा। और उस 6-7 आवर्स में मैं ट्राई करूंगा कि मैं अपने 60-70% टारगेट्स को ना उसी में कंप्लीट कर दूँ। और जो प्रायोरिटी काम होते हैं ना वो हो जाते हैं ना, तो एक अलग ही सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हाँ चलो हो गया। अदर काम हुए या फिर नहीं हुए मुझसे मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं बाद में कर लूँगा या फिर थोड़ा बहुत डांट सुन लूँगा, लेकिन जो प्रायोरिटी काम तक वो हुआ ना बस। एंड पता नहीं कि आज क्लास लेते समय मुझे बहुत नींद आ रही थी, तो मैंने 15 मिनट्स का नैप ले लिया, उसके बाद फिर से अपने क्लास को कंटिन्यू कर दिया। अरे यार इतने मेहनत से एक तो क्वेश्चन करो, ऊपर से जब एक मतलब एकदम सिली सिली मिस्टेक से पूरे क्वेश्चन रॉन्ग हो जा रहा है, इतना दिमाग दही हो रहा है ना मेरा, मतलब हंसी भी आ रहा है मेरे को, रोना भी आ रहा है क्या। एक्चुअली हम लोगों ने कंसोलिडेशन स्टार्ट हुआ है तो उसका क्वेश्चन सर करवा रहे, तो इसमें ना मैं इतने सिली सिली मिस्टेक कर रहा हूँ ना, इतना दिमाग का दही हो रहा है ना इसमें। स्टार्टिंग जो सिंपल क्वेश्चन थे ना वो बहुत ईजिली हो जा रहा था, लेकिन अभी सर ने थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन करवा रहे तो इसमें ना सच में बहुत बहुत मिस्टेक कर रहा हूँ, इसमें मुझे बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अभी मैं क्लास को स्टॉप कर रहा हूँ बिकॉज कि लगभग 2 बजने को आ गए, बज भी गए, लंच टाइम का लेट भी हो गया, तो लंच करने के बाद मैं करता हूँ अभी कुछ 1.5 आवर क्लास बाकी, उसे मैं करूँगा लंच के बाद। A few moments later. So, मैंने लंच कर लिया एंड अभी मैं जा रहा हूँ अपना अकाउंट्स का क्लास कंटिन्यू करने, फिर मुझे टेस्ट का भी क्लास लेना है, फिर लॉ का भी 2 क्लास लेना है। यार अपनी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी तो लेक्चर लेने में जा रही है, और जो बच्चे कुछ ज़िंदगी वो कहाँ जा रही है उसका तो पता नहीं है। अच्छा एंड फाइनली अकाउंट्स की क्लास हो जाती है, फिर मैं थोड़ा बहुत टाइम पास करने लगता हूँ। सो बहुत टाइम पास हो गया,
अभी टेस्ट की क्लास स्टार्ट करते हैं। व्हाट गाइस, आज टेस्ट का लेक्चर भी 3.5 आवर का है, मतलब ये लोग क्यों हर एक क्लास का ड्यूरेशन क्यों बढ़ा दिए। हाँ खैर कोई ना, स्टार्ट करते हैं। और एक और चीज़ जो कि कंसिस्टेंट रहने में हेल्प करती है वो है अपने आप को ना टाइम टू टाइम रिवर्स देना। हाँ जी, अपने आप को रिवर्स देके, लाइक मैं कोई डिफिकल्ट टास्क कर लेता हूँ, फिर मैं अपने सारे टास्क जिस दिन कम्प्लीट कर लेता हूँ उसी में अपने आपको रिवर्स देता हूँ। वो कुछ भी हो सकता है, लाइक कोई भी स्पेशल डिश हो गया, फिर कुछ भी जो कि मुझे अच्छा लगता है। इवन मैंने अपने बेसिक नीड्स को भी रिवर्स में कन्वर्ट कर दिया हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं लंच तभी करूँगा जब मेरे इतने वर्क हो जाएंगे, तो मैं एनिमे तभी देखूंगा जब मेरे इतने क्लास हो जाएंगे, तो मैं अपने दोस्तों के साथ तभी घूमने जाऊंगा जब मेरे टास्क हो जाएंगे। तो ये चीज़ मैंने एटॉमिक हैबिट बुक में सीखा था और ये सच में बहुत अच्छे से वर्क करती है। ऐसे आप छोटे मोटे रिवर्स को सेट कर सकते हो कि हाँ, जब मेरे ये वर्क हो जाएंगे, फिर ये टास्क हो जाएगा, तो ये रिवर्ड मैं अपने आप को दूंगा। फाइनल टेस्ट क्लास तो खत्म हो गया, अभी मिलते भी आपसे 1 आवर ब्रेक के बाद। 1 hour later. तो ये मैं डिनर बन गया है, अभी मस्त एनिमे देखते देखते इसे खाएंगे। एंड टेस्ट का आज हमारा सेकंड लास्ट क्लास था, कल लास्ट क्लास होगा। मिस टेक्निकली देखेंगे तो आज ही लास्ट क्लास हुआ था, बट मैं रिकॉर्डिंग वाला हूँ तो मेरे लिए कल लास्ट क्लास होगा। और लॉ का भी 1-2 दिन में क्लास खत्म हो जाएगा, और रही बात अकाउंट्स के तो उसका भी 1-2 वीक में क्लास खत्म हो जाएगा। मिस ना ग्रुपों का सिलेबस ऑलमोस्ट खत्म होने को आ गया है, बस ना मुझे खुद से ये एक्सपेक्ट है कि ना जिस तरह से क्लास वगैरह सब हुआ है उस तरह से मैं रिविजन भी करूँ, बिकॉज सच में इतना खास रिविजन कुछ हुआ नहीं है। एंड प्रैक्टिस भी कुछ नहीं हुआ है, बस नाम का प्रैक्टिस हुआ है। सो होप्स कि मैं हर एक चीज़ प्रैक्टिस एंड रिविजन वगैरह अच्छे से करूँगा। तो चलो, बहुत टाइम पास हो गया, अभी लॉ की क्लास स्टार्ट करते हैं। और क्लास देखते ही कब मेरा हाथ यूट्यूब शॉर्ट्स पे चला गया पता ही नहीं चला, मेरे पूरे 1/2 hour वहाँ पे वेस्ट हो गए। खैर कोई बात नहीं, मैंने फिर से अपने क्लास को कंटिन्यू कर दिया। फिर कुछ देर के बाद अचानक से राज और अभिषेक आ जाते हैं, तो जब तक वो लोग वेट कर रहे तब तक मैं अपना रिमेनिंग क्लास जो बचा था उससे कर लेता हूँ। एंड देन कुछ ही देर में लॉग की सेकंड क्लास हो जाती है, प्लस हमारा आज का 80% ऑफ द टारगेट्स भी हो जाता है। तो गाइस, इस ब्लॉग में इतना ही, होप सबको ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अभी आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट संडे को एक न्यू ब्लॉग में, एंड उस ब्लॉग में बात करेंगे कि मैं कैसे स्टडी के साथ साथ थोड़ा बहुत रिविजन को मैनेज कर रहा हूँ। तो हाँ, मिलना नेक्स्ट संडे को मिलना आप, अभी मुझे जाना पड़ेगा, नहीं तो लोग मुझे पत्थर से मारेंगे। बाकी मिलता आपसे नेक्स्ट संडे को एक न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए कीप स्टडीइंग एंड कीप स्माइलिंग। मचाते रहो।